अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको मौलाए कायनात मौला अली की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आप जानते हैं मौला अली का जो नाम हैदर पड़ा, वो हैदर कैसे पड़ा है? और आपको मौलाए कायनात को ईमान को नापने का जो पैमाना कहा जाता है, वो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री। जब अली को खाना काबा से लेकर आए ना हजरत अबू तालिब, तो एक जानिब से काबुल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा, अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, मेरा बच्चा है, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। कहने लगे, तुम्हें मक्के का दस्तूर नहीं पता कि मक्के में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा देते हैं और फिर माँ बाप दूर हट जाते हैं तो पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आता है। अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचाता है और बच्चे को रुलाता है तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज्यादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वापस चला जाता है तो माँ बाप की तारीफ होती है कि हलाल ज्यादा है। अबू तालिब, जब ये कायदा कानून सारे मक्के वालों के लिए है तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जाएगा? हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब। हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब। फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे अली को लिटा दिया। कुछ ही देर के बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला अली के सामने जब उसने अपना फन फैलाया ना, बुलंद हुआ ना, मौला ने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए, उनके दोनों कल्ले पकड़ के चीर दिए, सांप को दो नीम कर दिया, फाड़ कर फेंक दिया मेरे मौला ने। जैसे ही सांप को फाड़ा ना, तो अरबी में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज के चीरने को कहते हैं दर्रा, तो फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दर्रा, हाय दर्रा। आगे बढ़कर हजरत अबू तालिब ने गले से लगाया अपने बच्चे को, पेशानी का बोसा दिया, रुखसारों पर प्यार किया, लेकर चले। फिर वही ईसाई पादरी यहूदी खड़े हो गए, कहने लगे, कहां ले जा रहे हो? कहा, मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया, तुम चाहते थे मैंने लिटा दिया, देख लिया तुमने क्या हुआ? कहने लगे, यही तो हम कहने आए, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी, अब हम कैसे तय करेंगे कौन हलाल ज्यादा है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इन्हें कह दीजिए अब कयामत तक यही पैमाना है। सहाबा औलाद को अली की मोहब्बत से परखते थे, हलाल ज्यादा है या हराम ज्यादा, तुम्हारा ये जिम्मा है। तुम आज के बाद से पीरों को अली की मोहब्बत से परखो, उस्तादों को अली की मोहब्बत से परखो, मस्जिद के इमामों को अली की मोहब्बत से परखो। जो मस्जिद का इमाम हुब्बे अली का साथी नहीं, वो हमारा नहीं।